बिग ब्रेकिंग न्यूज, आज हम कहां है लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल, जिस पर एनआईए ने रख दिया 10 लाख का इनाम। अनमोल बिश्नोई, माना जाता है कि अनमोल बिश्नोई उर्फ भानु कनाडा में रहता है और नियमित रूप से अमेरिका आता जाता है। सलमान खान के घर के बाहर जो घटना को लेकर एनआईए ने उसे खोज कर रही है, क्योंकि एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद देश में लॉरेंस बिश्नोई के नाम एक बार फिर चर्चा में है। इस बीच एनआईए भी अब लॉरेंस गैंग पर शिकंजा कसता जा रहा है। एनआईए ने शुक्रवार 25 अक्टूबर 2024 को लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया। जो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई उर्फ भानु सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्या में भी आरोपी है। वह फर्जी पासपोर्ट पर भारत से भाग गया था। कहां कहां देखा गया अनमोल बिश्नोई? बताया जाता है कि अनमोल बिश्नोई हमेशा अपना ठिकाना बदलता रहता है। इस साल कनाडा में और पिछले साल कनाडा में देखा गया था। माना जाता है कि अनमोल बिश्नोई उर्फ भानु कनाडा में रहता है और नियमित रूप से अमेरिका आता जाता रहता है। वह जोधपुर जेल में सजा भी काट चुका है। 7 अक्टूबर 2021 में उसे जमानत पर रिहा किया गया था। अप्रैल महीने में अभिनेता सलमान खान के मुंबई स्थित आवास के बाहर घटना में कथित के सिलसिले में एनआईए की अनमोल बिश्नोई की तलाश में है। जांच एजेंसी ने उसे सर्वाधिक वांछित अपराधियों की सूची में भी रखा गया है। बाबा सिद्दीकी की हत्या में है हाथ। मुंबई के बांद्रा में 12 अक्टूबर को हुई महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे कथित रूप से अनमोल का हाथ माना जाता है। मुंबई की एक अदालत ने सलमान के घर के बाहर की घटना में शामिल दो आरोपियों में से एक को पिछले दिनों जमानत देने से इनकार भी कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि आरोपी ने अनमोल बिश्नोई के कहने पर सलमान को मारने की मंशा से इसकी जानकारी होते हुए इस काम को अंजाम दिया था। सलमान खान के घर के बाहर की घटना की जिम्मेदारी लेने वाले अनमोल बिश्नोई के खिलाफ एक लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया गया था। आज के वीडियो में इतना ही, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।